अक्सर सच बोलता हूं। वट एवर द लॉ ऑफ ब्लास्फेमी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन नॉन मुस्लिम्स, इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ज्यूज एंड क्रिश्चियंस एंड अदर नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटीज, इट इज जस्ट टू बी डेल्ट विद मुस्लिम्स। मैं स्टैंड ये ले रहा था और यही कानून बनवाया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो भी गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हो, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, मर्द हो या औरत, मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई हो, या मर्द हो या औरत हो, जो गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हो उसकी सजा कम है। अल्लाह का शुक्र 100% सच बोलता हूं। He was formulating the Sharia law, I was totally against it. So you are against finally the blasphemy law. Number two, finally when this law was made, President Ziaul Haq never consulted me, and I was never a part of shaping this law in the parliament made by General Ziaul Haq. First of all, after clearly clarifying the situation that I was never a part of shaping in the parliament. To main isliye taajeez e nemat ke taur pe batana chahta hu ki ye qanoon tahaffuz e hurmat e risalat ka, namoos e risalat ka, 295C, ye jo qanoon bana is mulk mein, मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि यह किसकी कोशिश से बना था यह कानून। यह कानून बनवाया ही मैंने था। मैं अल्लाह का शुक्र 100% सच बोलता हूं है कि मैंने तो आलम रोया में कोई 15-20 साल के लगभग का अरसा इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शागिर्दी की, आपसे पढ़ाऊं आलम रोया में, रोया में, ख्वाब में, आलम रोया में, अल्लाह की इज्जत की कसम, ताजदारे कायनात के नालेरे पाक की कसम, आलम रोया में 9 साल तक इमाम आजम को मनीफा से पढ़ा, उनका कलम अल्लाह का शुक्र 100% सच बोलता।